हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम कीर्ति और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन जॉन मिल्टन फ्रॉम यूथ कंपटीशन बुक। जॉन मिल्टन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ऑथर आफ्टर विलियम शेक्सपियर, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर सिलेबस में होते हैं वो इंग्लिश की। जैसे अगर हम जॉन मिल्टन पढ़ रहे हैं तो जॉन मिल्टन की इस बुक में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, जो 2001 से लेके 2021 तक के, उन सब का कलेक्शन इस बुक में है। चाहे फिर वो कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो कहने का मतलब है कि इस एक ही बुक से हमारे सारा जो जॉन मिल्टन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस सीरीज़ में हमारे कवर हो जाएंगे। और इसके पहले भी मैं इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना चुकी हूँ, सो जो लोग देखना चाहते हैं वो चैनल पर देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें पहले जो पार्ट 1-2 हैं उनमें मैं क्वेश्चन 64 तक करा चुकी हूँ। इसके बाद इसमें कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं। एग्ज़ाम पॉइंट्स मतलब वन लाइनर आंसर हैं इसमें। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वेश्चन के सामने ही इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ये एग्ज़ाम पॉइंट देखिए, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसरसो आर फ्रॉम, यानी एल एलिग्रो एंड इल पेंसरसो ये दोनों ट्विंस पोइम्स हैं फ्रॉम बाय मिल्टन के द्वारा। मिल्टन के द्वारा ये दोनों पोइम्स लिखी गई हैं, तो ये कहाँ से इनकी सोर्स ली गई है? तो म्यूजिकोलॉजी से इनकी सोर्स ली गई है, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए एग्ज़ाम का, द मीनिंग ऑफ एल पेंसरसो इज़, एल पेंसरसो का मीनिंग क्या होता है? ए थॉटफुल मैन या फिर एक पेंसिव मैन। एल एलिग्रो आफ्टर वैनिशिंग द स्प्रिट ऑफ लोथैड मेलंकली वेलकम। एल एलिग्रो पोइम है, उसमें क्या होता है कि वैनिशिंग हो जाती है स्प्रिट किसकी? मेलंकली की, जिसमें स्प्रिट ऑफ मेलंकली को वैनिश किया जाता है और वेलकम किया जाता है गॉडेस ऑफ मिर्थ का। यानी कि जो दोनों पोइम है, एल एलिग्रो एल पेंसरसो, एल एलिग्रो का मीन्स होता है एक हैप्पी मैन जो केवल मानता है खुशी की देवी को, और एल पेंसरसो का मतलब है एक पेंसिव मैन यानी थॉटफुल मैन जो मानता है मेलंकली देवी को। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एल एलिग्रो पोइम है उसमें जो स्पिरिट ऑफ मेलंकली है, यानी मेलंकली जो दुख की देवी है, उसको निकाल दिया जाता है और वेलकम किया जाता है गॉडेस ऑफ मिर्थ का, यानी खुशी की देवी का, एम्फायरोसिन। ये इसका भी मतलब होता है गॉड और गॉडेस ऑफ जॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इल पेंसरसो आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉय वेलकम द गॉडेस ऑफ मेलंकली। अब इसमें भी वही बात है, जैसे कि इल एलिग्रो में वेलकम किया जाता है गॉडेस ऑफ मिर्थ का, ऐसे ही एल पेंसरसो में वेलकम किया जाता है गॉडेस ऑफ मेलंकली का। यहाँ पर मेलंकली को प्रधानता दी गई है और वहाँ पर मिर्थ को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज कंपेयर्ड, सैटर्न को कंपेयर किया गया है किससे? तो लेवियाथिन से किया गया है। बुक फर्स्ट में, बुक फर्स्ट है जो, जिसमें सैटर्न को डिस्क्राइब किया है मिल्टन ने, उसमें सैटर्न का जो करैक्टर है वो लेवियाथिन से कंपेयर किया गया। लेवियाथिन एक बिब्लिकल करैक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, इसको जूम कर लेते हैं। सैटर्न कैन सड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव ट्रेबल कन्फ्यूजन रेथ एंड वेंजियंस। यानी कि जो सैटर्न है, जो खुद मैन का सड्यूस करता है, वो खुद कैसा है? कन्फ्यूजन से, ट्रेबल से, रेथ से और वेंजियंस से भरा हुआ है। हु वॉज द नेक्स्ट टू सैटर्न, सैटर्न का नेक्स्ट कौन है? यानी बेलजीबब, यानी कि इसकी हर कमांड को फॉलो करता है बेलजीबब, इसका मतलब राइट हैंड है एक तरह से। मोलक इज़ द हॉरिड किंग बैशमर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। यानी कि जब ये मोलक है, ये इसका प्रतीक है ह्यूमन सेक्रीफाइस का। हुज वुंड अलाउड द सीरियन डैमसल्स टू लेमेंट हिज फेट एट टाइम्स। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल। तो
जो फॉलन एंजल हैं, जो जो एंजल्स स्वर्ग से निकाले गए, फेंके गए, उनके लास्ट में सबसे कौन सा एंजल आता है? बेलियाल। बेलियाल को ही इज़ एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस। बेलियाल जो एंजल है उसको एसोसिएटेड माना है लस्ट से और वायलेंस से। इन कोर्ट एंड प्लेसेस हु इज़ ही, वो बेलियाल है, ठीक है। यानी कि जो एसोसिएटेड है लस्ट से, वायलेंस से, और जो कोर्ट्स में रहता है, प्लेसेस में रहता है, वो कौन है? तो बेलियाल। बेलियाल यहाँ पर लस्ट और वायलेंस का सिंबल है, पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन नाइट डार्कनेस द स्ट्रीट देन वंडर फोर द सन्स बेलियल फ्लोन विद इंसुलेंस एंड वाइन वेयर डू दिस लाइन अपीयर। तो ये जो लाइन है ये कहाँ अपीयर होती हैं? तो ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट में अपीयर हो रही हैं। नेक्स्ट लाइन्स देखिए, ये भी लाइन्स हैं। फॉर दिस इनफर्नल पिट शैल नेवर होल्ड कैलेस्टियल स्प्रिट इन बॉन्डेज वेयर डू दिस लाइन अपीयर। ये भी पैराडाइज लॉस्ट की हैं। लेट नन एडमायर दैट रिच इज ग्रो इन हेल दैट सोइल मे बेस्ट डिजर्व द प्रीसियस बैन हु डू वेयर डू दीज लाइन अपीयर। कहाँ अपीयर हैं ये लाइन? पैराडाइज लॉस्ट में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम पॉइंट्स इस बुक में दे रखे थे, वो मैंने एक्सप्लेन किए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65। ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्रेज। जो ओपनिंग 16 लाइन्स हैं, 16 लाइन्स हैं इस पैराडाइज लॉस्ट की, वो किस में कंप्राइज, किस में लिखी गई हैं? तो वन सेंटेंस में लिखी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जून में 2015 में ये आया है, यूजीसी नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। द फर्स्ट 16 लाइन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज इन वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 66। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन। यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन क्या प्रस्तुत करते हैं? एक्शन को, किसके? फॉल ऑफ मैन के। तो दो दो स्टेज पे उन्होंने उस एक्शन को प्रस्तुत किया है। तो कौन कौन सी बुक में किया है? ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुक फोर्थ में और बुक नाइन्थ में उन्होंने एक्शन को, फॉल ऑफ मैन, प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67। क्वेश्चन नंबर 67। वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। ये एक लाइन है जो कहाँ से ली गई है? वॉज सैमुअल जॉनसन क्रिटिसिज्म ऑफ फेमस पोएम। विच पोएम वॉज इट? यानी कि सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने एक फेमस पोएम को, मिल्टन की एक फेमस पोएम को क्रिटिसाइज किया है। वो कौन सी पोएम है इस लाइन में? तो वो पोएम है लिसीडस बाई मिल्टन। मिल्टन को सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है, उन्हें ये पोएम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मिल्टन की। और देखिए किस में क्रिटिसाइज उन्होंने किया है? द एवर लाइन फ्रॉम मिल्टन लिसीडा 1638 वॉज कोटेड बाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन हिज लाइफ्स ऑफ पोइट। उन्होंने एक अपना वर्क लिखा था लाइफ्स ऑफ पोइट 1779 में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज। जब एडम और ईव लीव करते हैं पैराडाइज को, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ लेकर, विद वंडरिंग स्टेप एंड स्लो, है ना, हाथों में हाथ लेके एक साथ जब वो इसको छोड़ते हैं पैराडाइज को, बुक 12th में छोड़ते हैं, है ना, तो व्हाट इज़ देयर कंसोलेशन? तो उनका कंसोलेशन क्या है? तो यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है इस 2016 में। तो दे आर कंफर्टेड बाई देयर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रेडिमर ऑफ मैनकाइंड। ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस आंसर की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एडम एंड ईव वर कंफर्टेबल बाय देयर फॉर नॉलेज ऑफ कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रेडिमर ऑफ मैनकाइंड वॉज देयर कंसोलेशन। सो दस द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए,
इन पैराडाइज लॉस्ट विच करेक्टर नैरेट विच करेक्टर कौन सा करेक्टर नैरेट करता है द स्टोरी कहानी को ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव ईव के निर्माण की कहानी को कौन सा करेक्टर नैरेट करता है पैराडाइज लॉस्ट में ईव फ्रॉम ए रिब इन एडम साइड कि जो ईव है उसका जो जन्म है वो एडम की रिब से हुआ है कौन इसको नैरेट करता है इस स्टोरी को यूजीसी नेट में आया है 2016 में तो खुद एडम इस कहानी को नैरेट करता है और बुक बुक 8th में वो इसको नैरेट करता है लाइन 460 से 480 में क्वेश्चन नंबर 70 देखिए जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज प्रीसियस बैन जॉन मिल्टन का डिस्क्रिप्शन गोल्ड एज ए प्रीसियस बैन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2nd में बेस्ट डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करता है ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है तो ये ऑक्सीमोरन को डिस्क्राइब कर रहा है फिगर ऑफ स्पीच प्रीसियस बैन में उन्होंने यूज़ किया है ऑक्सीमोरन क्योंकि दोनों ये कंट्राडिक्शन को दिखाते हैं ये प्रीसियस माने होता है वैल्यूएबल और बैन मीन्स डिस्ट्रेस ठीक है क्वेश्चन नंबर 71 देखिए मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स मिल्टन का जो बिलाप है अपने ब्लाइंडनेस पर अपने अंधेपन पर वो किस पोएम में है सो 71 का आंसर हो जाएगा डी द नेटिविटी ऑड आंसर डी मिल्टन्स नेटिविटी ऑड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन पोएम 1645 अट्रैक्टेड लिटिल अटेंशन बिफोर 18th सेंचुरी इन दिस पोएम मिल्टन लेमेंट है ना सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर 72 का देखिए हु रिप्लाइज टू मिल्टन मिल्टन को रिप्लाई कौन करता है उसके क्वेश्चंस पर डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी उनकी जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसमें मिल्टन को कौन रिप्लाइज करता है उसके मन में मिल्टन के एक प्रश्न उठ रहा है डॉथ गॉड क्या भगवान एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड कि मुझसे काम करवाएगा मेरी लाइट को छीन कर यानी कि जब वो अंधे हो गए तब उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था तो वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान से क्या उनके मन में जो थॉट चल रहे हैं कि अब क्या चाहता है भगवान मेरी आंखों की रोशनी को छीन कर मुझसे काम करवाना चाहता है तो उनको जो सुन उनका रिप्लाइज है ना उसका मिलता है उनको पेशेंस से पेशेंस रिप्लाइज करती है कि नहीं भैया भगवान ऐसे नहीं है भगवान को आपसे कोई काम नहीं चाहिए सो आंसर सी इज राइट हियर अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड विद एन एक्सप्रेशन यानी इनकी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की एंड हो जाती है एक एक्सप्रेशन के साथ ऑफ पोइट पोइट की एक एक्सप्रेशन के साथ एंड होती है वो एक्सप्रेशन क्या है सो फेथ इन गॉड्स वे भगवान में विश्वास यानी हर हाल में इंसान को भगवान में विश्वास बना के रखना है ये मैसेज है इस पोएम का और इसी मैसेज के साथ इस डिस्क्रिप्शन के साथ ये एंड होती है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 ऑन हिज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट इसी पोइम की बात हो रही है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है मिल्टन की इसमें भगवान की जो बेस्ट सर्विस है वो किसको माना गया है इसमें बेस्ट सर्विस भगवान की माना गया है आपका ए करेक्ट हो जाएगा वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट यानी कि जो भगवान ने एक इंसान को प्रदत्त किया है जो दिया है उसके बोझ को अगर वो सहन करता है यही भगवान की सच्ची सेवा है ये राजस्थान आरपीएससी में 2016 में पूछा गया पीजीटी में भी पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में अब यहाँ पे कुछ जिस तरह से भी मैंने पहले एग्जाम पॉइंट्स कराए थे वन लाइनर आंसर होते हैं ये इसमें भी कुछ हैं तो एक ये है यहाँ पे जैसे देखिए रोज लाइक एन एक्सहेलेशन विद द साउंड ऑफ डल्सेट सिम्फनीज एंड वॉइस स्वीट वॉट रोज लाइक एन एक्सलेंस किससे कंपेयर किया गया है यहाँ पर रोज का तो यहाँ पैंडेमोनियम आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज टास्क नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर यानी पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ना एक टास्क है नो बडी एवर विस्ट इट लॉन्गर कोई इंसान इसकी इच्छा भी नहीं कर सकता ये छोटा मोटा नहीं है पैराडाइज लॉस्ट 10,000 लाइन्स में है 10-11,000 लाइन्स को कौन पढ़ पाएगा तो ये डॉक्टर जॉनसन का कमेंट है पैराडाइज को लेकर आगे देखिए यहाँ पर भी कुछ पोइट्स के नाम हैं जॉर्ज हर्बर्ट हैं थॉमस कैरियो हैं रॉबर्ट हैरिक हैं रिचर्ड कैशो रिचर्ड लवलेस हेनरी वॉगम एंड एंड्रयू मार्वेल आर मिल्टन्स ये जो पोइट्स के नेम दिए हैं ये कौन है मिल्टन के तो ये ऑल आर कंटेम्प्रेरीज पोइट हैं मिल्टन के
ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिल्टन रोट एंड लैटिन पेस्टरल। मिल्टन ने क्या लिखा था, एक लैटिन पेस्टरल लिखा था, बोले तो एक लैटिन में एक एलाइजी लिखी थी टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हिज सोरो अपना दुख, ऑन द डेथ डेथ पर ऑफ हिज फ्रेंड अपने मित्र की, चार्ल्स ड्योटी, यानी कि एक उनके स्कूल फ्रेंड थे चार्ल्स ड्योटी, उनकी डेथ पर अपना दुख व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक लैटिन एलाइजी लिखी है जो मिलती जुलती है लिसीडस से। अब देखिए लिसीडस भी एक एलाइजी है, वो भी एक पेस्टरल एलाइजी है, और ये भी लैटिन पेस्टरल एलाइजी है, तो इससे मिलती जुलती है। तो लिसीडस तो उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड की डेथ पे लिखी थी, एडवर्ड किंग की डेथ पर, और ये वाली जो एलर्जी है इन्होंने अपने चार्ल्स ड्योटी स्कूल फ्रेंड के डेथ पर लिखी थी, जिसका नाम है एफी टेफीमियम डेमोनिस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन अटैक, इनमें से क्या एक अटैक है, ऑन द पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर एक अटैक है, एक वर्क उनका ऑफ द क्लेरजी इन इंग्लिश चर्च एंड प्ली ऑफ फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सर्च चर्च। तो ये जो अटैक है ये किस में किया है उन्होंने, ऑफ रिफॉर्मेशन, ये इनका एक प्रोज वर्क है जो कि आया 1641 में। ठीक है, एक मिल्टन को पोइट होने के साथ साथ उनको एक पैम्फलेटियर भी माना जाता है, क्योंकि वो पैम्फलेट बहुत ख़तरनाक लिखते थे और बहुत सारे ट्रैक्ट उन्होंने लिखे हैं समाज सुधार को लेकर और डाइवोर्स के ऊपर, पार्लियामेंट को लेकर, सभी पर उन्होंने लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, विच लिटरेरी पीस शोज द सुपीरियोरिटी ऑफ प्रेसबाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट, यानी कि जो सिस्टम है चर्च गवर्नमेंट का वो उनका कौन सा टैक्ट दिखाता है, सो ऑफ प्रीलिटिकल एपिस्कोपेसी, ये उनका ये भी एक टैक्ट है, प्रोज वर्क है, और ये भी 1641 में आया, 1641 में, यानी इनका सेकंड प्रोज वर्क है, और ये इसमें क्रिटिसाइज करता है चर्च गवर्नमेंट को जो कि चलाई जाती थी क्लेरिजी द्वारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एनिमेट वर्जन इज एन अटैक, एक ये भी इनका पैम्फलेट है, एनिमेट वर्जन, ये इनका तीसरा पैम्फलेट है, और ये भी आया था इनका 1641 में ही, लगातार ये आए थे, इनकी तीसरा पैम्फलेट है, ऑन ए करेक्टर राइटर बिशॉप हॉल, यानी कि एक ये बिशॉप हॉल एक करेक्टर है जो कि क्लेरजी मैन और इनकी तारीफ में लिखता था, इसके ऊपर ये एक अटैक है, एक क्रिटिसाइज उन्होंने किया है। नेक्स्ट देखिए, विच टैक्ट रिकमंड, अब कौन सा ट्रैक्ट रिकमेंड करता है, फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट इज लॉन्ग एक्लेस्टिकल ट्रैक्ट, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट एंड अर्ग्ड अगेंस्ट प्रीलेसी, यानी एक और इनका ये फोर्थ इनका पैम्फलेट आया, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, इसमें भी इन्होंने इसको इसमें रिकमेंड किया है सेपरेशन को चर्च और स्टेट को। नेक्स्ट देखिए, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये डॉक्टर एंड डिसिप्लिन एक इनका डाइवोर्स के ऊपर इनका टैक्ट आया, 1643 में आया था, और इसमें चार टैक्ट थे इनके, जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राकॉर्डन एंड कोलास्टीरियन आर फोर टैक्ट ऑन डाइवोर्स, हु रोट, किसने लिखे हैं ये, तो मिल्टन ने लिखे थे। नेक्स्ट है मिल्टन टॉक करते हैं, सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स पर्सनल कंटैक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वेयर डज ही टॉक ऑफ एजुकेशन, ये इनका आया 1644 में, यानी इसमें ये टॉक करते हैं जो एजुकेशन प्रोग्राम है इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ऑफ स्टडी ऑफ बुक्स पर बातें करते हैं। द टाइटल ऑफ एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका का टाइटल ड्राइव्ड फ्रॉम ए स्पीच विच वॉज एड्रेस्ड टू एथियन कोर्ट ऑफ द एरियोपैगस, द स्पीच वॉज एड्रेस्ड बाय सॉक्रेट। ठीक है, ये हो गया आपका टाइटल, कहाँ से आया एरियोपेजिटिका का, तो यहाँ से आया। नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स फर्स्ट वॉज बिहेडेड इन, इनको चार्ल्स फर्स्ट को कब एग्जीक्यूटेड किया गया, बिहेडेड का मतलब होता है मारा गया, 1649 में। मिल्टन रोड दिस वर्क ओनली टू काम डाउन, मिल्टन ने एक वर्क लिखा शांत करने के लिए, पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स विच वर्क इज, यानी कि जब बिहेड हो गया मतलब एग्जीक्यूशन हो गया चार्ल्स वन का, तो पब्लिक क्या हो गई थी, डर गई थी, सहम गई थी, तो उनको शांत करने के लिए, उनके उनके डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा, ये ऑफ द टीनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट,
who stood for an austere high principle, God fearing and blameless kind of life. कौन स्टूड करते हैं हाई प्रिंसिपल गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ द प्यूरिटन्स. ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ प्यूरिटन्स वर इन, मतलब जब एलिजाबेथन समय चल रहा था तो प्यूरिटन्स कितने थे, तो वो बहुत ज़्यादा कम थे, माइनॉरिटी में थे. ये देखिए ये वाली जो लाइन्स हैं, लव वर्च्यू, लव वर्च्यू, सी ऑलोन एलोन इज फ्री, सी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्फेरी, और इफ वर्च्यू फीवल वर हैवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर. सो वेयर डू दीज लाइन अपीयर, कॉमर्स, कॉमर्स में ये लाइन अपीयर होती हैं. क्वेश्चन नंबर देखिए 75, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, स्पेंसेरियन सोनेट है, एन ऑक्टेशियन सोनेट है, एपिटार्कन सोनेट है और फॉर्मलिस्ट सोनेट है. आरपीएससी पीजीटी 2013 में ये आया हुआ है. तो ये मिल्टन की एक पिटार्कन सोनेट है. पिटार्कन सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है जिसमें 8 लाइन का एक ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का एक सेस्टेट होता है, और 8 लाइन के बाद एक पोज होता है, उसको कहते हैं हम कैजूरा. ठीक है, 14 लाइन की जो कविता है जिसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट है, उसे पिटार्कन सोनेट बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, वो भी सच्ची सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं. कहाँ, भगवान के सामने, एंड वेट और इंतजार करते हैं. इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु, इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये जो दे वर्ड है ये किसके लिए यहाँ पर रेफर कर रहा है. तो ये सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, जो यानी कि भगवान के ऑर्डर को अपना एक्सेप्ट करते हैं और पेशेंसली वेट करते हैं. भगवान का जो भी आदेश होगा वो अच्छा होगा, यानी भगवान जो हमारे लिए करेगा वो अच्छा करेगा, सिर्फ वो केवल जो भगवान ने उन्हें दिया है उसे वो सहन करते हैं, ये यहाँ मतलब है. क्वेश्चन नंबर देखिए 77, इन लाइन थ्री ऑफ हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, यानी कि जो थ्री लाइन्स है इस सोनेट की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन आरपीएससी में जॉन मिल्टन के ये क्वेश्चंस ऑन हिज ब्लाइंडनेस से बहुत आए, क्योंकि ये आरपीएससी के सिलेबस में उनकी पोएम रखी गई है ना ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये इसलिए हर बार आरपीएससी के एग्ज़ाम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस से एक आधी क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है ये. सो वन टैलेंट की उन्होंने बात की है तीसरी लाइन में इस पोइम की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन ने, तो वो वन टैलेंट कौन सा है आपको बताना है, हिज पेशेंस, हिज टेनासिटी, या फिर हिज फेथ, हिज पोइटिक एबिलिटी. तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वो अपनी पोइटिक एबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखिए 78, हु इज़ द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन, एसे ऑन मिल्टन एक वर्क है, ये इसका राइटर कौन है. सो मैकॉले ने अपना वर्क लिखा है मिल्टन पर, एसे ऑन मिल्टन. क्वेश्चन नंबर देखिए 79, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, वो ये अभी आया था देखो आरपीएससी में और पीजीटी 2011 में, यूपी टीजीटी में 2009 और 16 में भी आया हुआ है. ये इंपॉर्टेंट पोएम है उनकी, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं. दे ऑल्सो सर्व, वो भी सच्ची सेवा करते हैं, हु ऑनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि जो सिर्फ भगवान के कमांड की प्रतीक्षा करते हैं वो भी एक सच्ची सेवा है. यानी कि भगवान ने जो भी इंसान को कष्ट दिए हैं, और तो भगवान, वो इंसान भगवान से उन कष्टों की शिकायत ना करके उनको बियर करता है, सहन करता है कि ये मेरे कर्मों का फल है और ये मुझे सहन करना है शांति से, इसमें भगवान का क्या दोष, तो वही सच्ची सेवा है. ये नहीं कि आप शिकायत करने बैठ जाओ कि भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि भगवान के पास सच्चा ब्यौरा है, अकाउंट है हमारे लेखा जोखा का, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है. सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये लाइन्स ली गई हैं. ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे ऑल्सो सर्व, ये इज टेकन फ्रॉम मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस विच पब्लिश्ड इन 1673 में ये पोइम पब्लिश हुई थी. क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रेफर टू, यानी कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो लाइट है वो कैसे कितनी जल्दी ख़त्म हो गई, तो ये जो लाइट है ये क्या रेफर कर रही है.
तो ये आई 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 साइट के बारे में बात कर रही है। जब वो अंधे हो गए थे तभी तो उन्होंने ये पोइम को कंपोज किया था। तो ये पोइम पब्लिश हुई थी 1773 में और उन्होंने कंपोज की थी ये 1652 में एट द एज ऑफ 44 जब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 81। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। वो 1652 में अंधे हो गए थे। वॉट अदर इवेंट इज पैकुलियर इन द सेम ईयर। एक और घटना घटित हुई थी उनके साथ बहुत बुरी, वो क्या थी उसी साल। तो मैरिड हो गई थी उनकी या वाइफ डाइड हुई थी, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। मैरी पॉवेल इज फर्स्ट वाइफ ऑल्सो डाइड इन द सेम ईयर। तो TGT 11 में आया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। लेसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, जो लेसिडस है वो किसकी मेमोरी में लिखी गई है। सो एडवर्ड किंग हिज कॉलेज फ्रेंड एट कैम्ब्रिज, वहाँ उनकी याद में ही लिखी गई है। RPSC में तो जरूर जॉन मिल्टन से आता है, TGT 1 में आया है। क्वेश्चन नंबर 83। हु रोट एंड अबाउट हु, किसने लिखा है और किसके बारे में लिखा है। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, आपकी सोल कैसी है, स्टार, आपकी जो आत्मा है वो एक स्टार की तरह है और जो कहीं दूर रहती है। ये मिल्टन ने लिखा है, किसके बारे में, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है मिल्टन के बारे में। लंदन 1802 उनकी एक पोएम है, लंदन 1802 जो डेडिकेट है मिल्टन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 84। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश, वेरी इजी क्वेश्चन। कब पब्लिश हुआ था, 1667 में पब्लिश हुआ था। इन्हें लिखना कब शुरू किया था, इन्होंने 1658 में से लिखना शुरू किया था और 1665 में ये कंप्लीट हो गया था एंड 1667 में फाइनली पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 85। थीम ऑफ एरियोपैजिटिका इज, थीम क्या है एरियोपैजिटिका की, इनका प्रोज वर्क है जो 1644 में आया। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए इंसान को। क्वेश्चन नंबर देखिए 86। विच वन ऑफ द मिल्टन फेवरेट, मिल्टन का कुछ वर्क्स उन्होंने जो लिखे हैं उनमें से उनका कोई फेवरेट है, वो कौन सा है उनका फेवरेट वर्क। तो मिल्टन का जो फेवरेट वर्क है वो है पैराडाइज रीगेंड वर्क बाई मिल्टन। ये उनका वन ऑफ फेवरेट वर्क है, ये उनको बहुत पसंद है अपना वर्क, जो कि आया था 1671 में आया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 87। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग ऑफ वेल और नॉक द ब्रेस्ट वीकनेस, नो कंटेम्प्ट डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट बेल एंड फेयर एंड वॉट मेक क्वाइट अस इन डेथ सो नोवल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन टेकन। तो ये लाइन्स ली गई हैं सैमसन एगोनिस से, और सैमसन जो इसका हीरो है उसने ये लाइनों को बोला है, आया था 1671 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 88। द लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ कॉमर्स इज, लिटरेरी फॉर्म क्या है कॉमर्स की, तो ये एक मास्क है जो कि आई थी 1634 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 89। हु मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोइट्री, किसको अपना मास्टर मानते हैं पोइट्री में। स्पेंसर को वो अपना मास्टर मानते हैं, सो डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, मिल्टन का जन्म कब हुआ था। 9 दिसंबर 1608 को बैड स्ट्रीट चीप साइड लंदन इंग्लैंड में, दिसंबर 9 1608 को इनका जन्म हुआ था। सो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 91 देखिए। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, मिल्टन बॉर्न कहाँ हुए थे। सो ब्रेड स्ट्रीट लंदन, लंदन में बॉर्न हुए थे 9 दिसंबर 1608। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेंट। ये एक वर्क है मिल्टन का, ये सोनेट है, ये किसकी मेमोरी में उन्होंने लिखी है। सो उन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ की मेमोरी में लिखी, जो एक साल बाद ही मर गई थी शादी के एक दो साल, ये कैथरीन वुडकॉक, जिनकी शादी हुई थी 1556 में। बट आफ्टर सम टाइम शी लेफ्ट हिम एंड देन ही रोट टू स्ट्रॉन्ग पैम्फलेट ऑन डाइवोर्स एंड सेड इट इन इट। इन्होंने पैम्फलेट लिखे डाइवोर्स के और उसमें इन्होंने ये कहा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 93। इन विच ऑफ फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। यानी कि प्रमोट करते हैं फ्रीडम को स्पीच की को और अपोज करते हैं, विरोध करते हैं लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप का। सो इट इज एरियोपैजिटिका। सो बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर देखिए 94। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज बुक्स, कितनी बुक्स में ये लिखी गई है? सो ये 12 बुक्स में है पैराडाइज लॉस्ट। GIC लेक्चरर 2016 में आया है। TGT 2003, 9, 11 और 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन, तो पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। बी इज करेक्ट हेयर। 96 क्वेश्चन नंबर 96। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड वॉज फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर फील्ड चला गया? ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं गया, इज स्पोकन बाय सैटर्न। सैटर्न ने इतनी ग्लोरीफाइड लाइन्स बोली हैं इन बुक फर्स्ट इन पैराडाइज लॉस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 97 देखिए क्वेश्चन नंबर। मिल्टन बिगन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, यानी मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट है वो उसकी शुरुआत होती है इन्वोकेशन के साथ, आवाहन के साथ। आवाहन करते हैं वो काव्य की देवी का। मिल्टन बिगन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद इन्वोकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल द सर हेल देन सर्व इन डैश, इसमें क्या ऑप्शन आएगा? इसमें ऑप्शन आएगा हेवन, यानी कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज, इन हेवन इज, यानी कि एक नर्क में राज्य करना अच्छा है बजाय किसी स्वर्ग में सेवा करने के। तो बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स सैटर्न ने बोली हैं और इसीलिए बिलमबेक ने कमेंट किया है कि विल्टन वाज ऑफ डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। उन्होंने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है सैटर्न को। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 99। व्हाई व्हाट इज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड, कौन सी एज में बिल्कुल अंधे हो गए थे मिल्टन? तो सी 40 एट द एज ऑफ 44 मिल्टन इन द ईयर 1652 में, और एज थी उनकी 44 में वो अंधे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 100। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस, सैमसन एगोनिस किस प्रकार का वर्क है उनका? सो इट इज़ ए वर्स प्ले, ये एक वर्स प्ले है। क्वेश्चन नंबर देखिए 101। इन विच ईयर मिल्टन लिसीडस वाज रिटन, कौन सी ईयर में मिल्टन की लिसीडस लिखी गई? 1637 में। क्वेश्चन नंबर 102। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एक वर्क है इनका, ये 1670 में लिखा इन्होंने, किसका है? तो जॉन मिल्टन का, इज वर्क वाज जॉन मिल्टन। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बता दूं मैं, ये एक मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क है। क्वेश्चन नंबर 103। मिल्टन पोइटिक स्टाइल इज जर्नली रिगार्डेड, उनकी स्टाइल को माना जाता है ग्रांड। सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मिल्टन पोइटिक स्टाइल इज जर्नली रिगार्डेड ग्रांड। क्वेश्चन नंबर 104। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इन अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन दिए चार, इनमें से आपको चूज करना है कि मिल्टन की जो लाइफ है वो किसने लिखी है। सो सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन की लाइफ लिखी है, बायोग्राफी लिखी है मिल्टन की। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 105। जॉन मिल्टन एल एलिग्रो इन वॉक्स विच ग्रेस विद होम ही मीन्स टू लिव, यानी कि एल एलिग्रो में किसका इन्वोकेशन है? सो गॉडेस ऑफ मिर्थ, खुशी, मिर्थ माने होती है खुशी, खुशी की देवी का। सो आपका ये करेक्ट हो गया आंसर। आंसर नंबर वो क्वेश्चन नंबर देखिए 106। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मेनोआ रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट। इन विच फॉलोइंग डज मैनोआ रिपोर्ट करता है एंड ऑफ प्रोटोगनिस्ट इन मिल्टन सैमसन, क्या रिपोर्ट करता है मैनोआ? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। काम ऑफ माइंड ऑल पैसन्स स्पेंट, सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। सो फ्रेंड्स, ये हमने आप 106 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। नेक्स्ट जो इससे आगे के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।